साधु जी सीताराम। अरे जोर से बोलो। अरे बा हम 7 दिन में नहीं थके, या दिन ना रात बोल रहे, तुम बैठे बैठे थक गए। बोलो जोर से, लगना तो चाहिए कोई बैठा है। अगर कहोगे सीताराम मिलेगा आराम, खाने में मिलेगा बादाम, बन जाएंगे काम। हैं? धर्म विरोधियों का हो जाएगा इंतजाम। अगर कहोगे सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, अब कुछ बात। आज की यात्रा शुरू करने के पहले कथा विराम का दिन है, और प्रारंभ में ही आज एक ऐसा दिन है, आज के ही दिन हमारे भारत देश के एक ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद घोषित कर दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म उत्सव है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। उनका नारा बहुत विशाल था, और हमारा भी आज का सूत्र नोट कर लीजिए, सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए निकालिए और ये नारा भेजिएगा सब तक, सबकी जो भगवान की नहीं उनकी जय जय सीताराम। अब बारनी तो ठठरी थी, लेकिन सबने कहा कि अब गुरुजी आप बहुत गंभीर हो जाइए, तो हम थोड़ा गंभीर होने का थोड़ा अभिनय कर रहे हैं। मेरे भारत के लोगों, आज रायपुर की इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो, उन सबको कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। यहां तक कि भगवान ब्रह्म है, उनको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ा। लेकिन आज इस व्यास पीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान कि गुरु जी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना, अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। ना तो मुझे कोई राजनेता बनना है मेरे पागलो, ना हमारी कोई पार्टी होनी है। ऐसा कभी विचार मत करना कि अब गुरुजी पार्टी में जाएंगे या नेता बनेंगे या किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, ना हमें पार्टी में जाना है, हम तो सिर्फ अपने सनातनियों को एक करने की बात करेंगे। और अगर ये बवाल है, अगर ये विवाद है, तो बना रहने दें दीजिए। अब इस बात को सुनकर के भी अगर तुम मेरे पागलों अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी जबान नहीं खोली, और भारत के प्रत्येक संत हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कोई ऐसा साधु नहीं जो हमारे साथ ना हो, और हम सब साधुओं से प्रार्थना करेंगे, 13 अकारों से प्रार्थना करेंगे,
अब छुप कर बैठने की बात नहीं है। बागेश्वर धाम तो एक बहाना था, असलियत में इन धर्म विरोधियों को सनातन को निशाना बनाना था, लेकिन बालाजी ने ऐसा मुंह पर तमाचा मारा कि इनको भी होश ठिकाने लग गए। सुभाष चंद्र बोस का एक और संकल्प था जो उन्होंने करके दिखाया था। उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी, ये हिंदुस्तान आजाद है, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, और हम भी आज घोषित करते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। अपने अपने मोबाइल रख लो वरना तुम लोग हाईजैक हो जाओगे। दुनिया भी बड़ी विचित्र है, इनको कुछ कहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, मीराबाई को नहीं छोड़ा, कबीर बाबा को नहीं छोड़ा, रैदास को नहीं छोड़ा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कितनी बार परीक्षा नहीं ली गई, हमें कब छोड़ेंगे। अब इन चुनौतियों से भागना नहीं है, हम प्रत्येक हिंदुओं से कहेंगे अब जागना है। क्या करना है जोर से बोलो ना। कौन कौन आज सनातनी हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ खा रहा है? पक्का? आप अगर कोई सनातन के ऊपर उंगली उठाएगा तो कौन कौन मुंह तोड़ जवाब देगा? एक बात और बोल रहे, पूरे भारत के लोगों के सामने मेरे पागलों, हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहना तो उनकी मजबूरी है, अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर उनको कौन सुनेगा। कोई कुछ भी कहे, कहते रहने देना, सांच को आंच नहीं है, सांच को आंच नहीं मेरे पागलों, और हम जब तक दिएंगे तब तक सनातन की बात करेंगे।